जी तो अस्सलाम वालेकुम। घर में बच गई है दाल, कोई खा नहीं रहा, तो अब ऐसा क्या करेंगे, दाल सारी सफा चट हो जाए, सब मजे से मजे ले लेके खाएं। तो बस उसके लिए दाल को एक फ्राई पैन में डालेंगे और उसका जितना भी पानी हम सुखा लेंगे और उसको अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए आपको नीचे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, इतना आपने इस दाल को पकाना है कि हल्की हल्की सी ब्राउन हो लेकिन जले नहीं, ठीक है? हल्का ब्राउन करना, पूरी दाल को ही ब्राउन नहीं करने ना। उसके बाद इसमें डालनी है चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया, इन सबको आपस में मिक्स करना है। अब आपकी दाल है, आपको पता होगा नमक मिर्ची इसमें कैसी है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा। इसके मसाले, अगर गरम मसाला कम लगे तो इसमें गरम मसाला पाउडर आपने और डाल देना है, और इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए आप कोयले का धुआं दे दें। और ये देखिए, एक हाथ से कबाब बनाना चाहा पर वो बना नहीं, तो शराफत से मोबाइल रखा और दोनों हाथों से कबाब को शेप दे लिया। अब इस दाल से हमारे सिर्फ 3 कबाब बने हैं, इनको अंडे में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, हदीस सीख लेते हैं। जी तो ये कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और कबाब फ्राई करते हुए आप एक बात ध्यान में रखा करें, चाहे ये वाले कबाब हो या कोई भी कबाब हो, तो तेल में आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे, तेल या घी जिसमें भी आप बना रहे हैं, मीडियम हाई फ्लेम पे आप कबाब को हमेशा तला करें, क्योंकि सिर्फ जो अंडा होता है वो कच्चा होता है, बाकी अंदर से जो कबाब होता है, भले कीमे के हों, गोश्त के हों, दाल के, आलू के, कोई भी हो, तो अंदर से मसाला तो हमारा पका हुआ ही होता है, सिर्फ अंडा कच्चा होता है। तो अंडे को क्रिस्पी होने तक बस कबाब को सेका करें, फ्राई किया करें, उससे ज़्यादा नहीं, वरना अंदर से जो कबाब का जूसी से फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर उसको ज़्यादा सेकेंगे हम बिना तेल के। तो तेल का आप थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा करें, तेल थोड़ा ज़्यादा और सेकें थोड़ा कम, बस हल्का सा फ्राई करें। जब अंडा हमारा क्रिस्पी हो जाए तो कबाब को आप फ़ौरन निकाल लें। तो जी ये हमारे कबाब तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा। अब घर वाले ये दाल छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे मज़े ले लेके, और तारीफ भी करेंगे साथ में, फ्री की तारीफ भी मिलेगी बची हुई दाल से। तो चैनल बनाया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपको हमेशा मिलती रहे, और इसके अलावा शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।